ये गारंटी है मैम, अगर ये लेदर नहीं हो तो मैं 50,000 रुपए इनाम दूँ। सस्ता इसलिए है मैम क्योंकि हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम एवरग्रीन कलर है। हाँ, ये ये स्वेट लेदर बोलते हैं। जैसे आपको कहीं भी शोरूम में रॉयल एनफील्ड वगैरह की 30-40 हज़ार रुपए से कम की जैकेट नहीं मिलती है। तो जो लोग राइडिंग करके केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हैं ठंड वाली टाइम पे, क्योंकि पहाड़ी बाइक में शान बढ़ा देगा आपकी। अच्छा, कई कलर इसमें मिल जाते हैं। ब्लैक 10 कलर है बाइकर जैकेट। ये देखिए मैम, इसको बॉम्बर जैकेट बोलते हैं। ये फर वाली है, अलग से पहनना है। हॉलीवुड फिल्मों में काफी पहनते हैं इस टाइप की वगैरह, जैसे रबब बोलते हैं ना, रबब टाइप। हाँ, फेडेड लुक आजकल देता है कि लेदर है, फेस बनती थी, आजकल ये फैशन में बहुत आ गई। तो ये देखिए इनमें भी कलर्स आ चुके हैं। तो वैसे तो आजकल गर्ल्स भी बॉयज का भी पहन लेते हैं। देखिए देखिए सर, इस टाइप की जैकेट काफी देखने को मिलती है ना लोग। ये लेडी जैकेट है, एक बार आप देख सकते हो, ट्राई करना आप अगर आप कर सकते हो। तो ये देखिए इसमें आप लोगों को हुड भी मिल जाएगा, हुड पैंट जैकेट में कुछ इस टाइप का पहनना चाहते हैं तो यहाँ पे अवेलेबल ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैम, एक हमारे पास इस क्वालिटी के मिल जाएंगे आपको। अच्छा, बैग, ये बैग, ये लेडीज बैग, ये लैपटॉप बैग, ये भी आपको हमारे यहाँ अवेलेबल मिल जाएंगे। अच्छा, हाँ, लेदर नहीं होगा तो इसमें 50,000 रुपए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो विंटर का सीजन आने वाला है और आप लोग चाहते हैं आप लोगों के लिए देहरादून में लेदर की जैकेट कहाँ मिले, वो भी लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए। ठीक है, तो आज हम आपको एक ऐसे हब में लेके आए हैं जहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ जैकेट्स मिलने वाले हैं, पर्सेस मिलने वाले हैं, बेल्ट्स मिलने वाले हैं, यानी कि प्योर लेदर में आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक एक्सप्लोर वीडियो लेके आए हैं ताकि जो आप लोगों की रेंज स्टार्ट होने वाली है विंटर्स की होने वाली है, या फिर आप किसी हिल स्टेशन में घूमने के लिए जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, तो आप लोगों को एक ऐसा वेयर, आपको एक ऐसी जैकेट चाहिए जिसमें आप अपने ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोकेशन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ राजपुर रोड, यानी कि ये वाली जो लोकेशन है इसे राजपुर रोड बोलते हैं, जो कि मेन राजपुर रोड से कनेक्ट कर रही है, यानी कि मसूरी रोड से, और ये वाली जो रोड है ये घंटाघर से कनेक्ट कर रही है। ठीक है, मेरे पीछे आप जस्ट देख सकते हैं उत्तराखंड सचिवालय, यानी कि सचिवालय के जस्ट अपोजिट में अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है जो जिसे शिवा पैलेस के नाम से जाना जाता है। इसी के अंदर चलते हैं, एक दो शॉप छोड़ के आपको लेदर हब मिलेगी, और इसका मेन अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो बोर्ड भी मिलेगा, यानी कि दून लेदर हब मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं अंदर। लोकेशन बहुत ही इजी थी, आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा, बाकी फिर भी हम आपके लिए गूगल एड्रेस और फोन नंबर स्क्रीन में जरूर देंगे। स्वागत है हमारे चैनल में, और आप एक बार अपने हमारे जो व्यूवर्स हैं जो आप लोग आपको देख रहे हैं तो थोड़ा सा आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। मेरा नाम सानू है, मैं दिल्ली में हमारी शॉप थी पहले। अच्छा, यहाँ पे जो अभी खोली है एक मंथ हुआ है, नई ब्रांच खोली है। अच्छा, हमारे मतलब नया, एकदम नया खुला है ये, यहाँ पे एक महीने में अभी हमने ब्रांच ओपन की है। हमारा 20 साल से कम दिल्ली में है लेदर हब के नाम से। काफी व्यूवर्स ने आपने शायद देखी हो, यहाँ के देहरादून वाले काफी हमारे पास वहाँ पे भी आए हैं, उन्होंने बोला था कि एक शॉप यहाँ पे देहरादून में डालो, काफी ऊपर होती अच्छा, है अच्छा, अच्छा। तो इसी वजह से हमने एक शॉप यहाँ पे डाली है। हाँ, और हमारी जो शॉप है ये दून लेदर हब के नाम से है, राजपुरा रोड
शिवा पैलेस के में 6 नंबर शॉप है। तो ये वाली जो लोकेशन, ये तो बहुत इजी है जो कि मैंने आप लोगों को बताई दी है। तो आप लोग क्या, आप लोगों का क्या है, मैन्युफैक्चरर है? खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। तो आप लोगों को हम दिखा देंगे कि खुद से कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, और अगर आप लोगों को फुल डिटेल में भी देखना है कि हाँ वहीं से है, तो आपका एक बार दिल्ली वाली शॉप जी लेदर हमें सिंगेट वर्क ने हमारी बना रखी है, हेमंत जोन ने हमारी वीडियो बना रखी है, वो मोहम्मदपुर में लेदर हब के नाम से हमारी शॉप है। आप उस यूट्यूब पे डालोगे तो हमारी शॉप का नाम वहाँ पे आ जाएगा सीधा, मैं खड़ा हुआ दिखाई दूंगा। अच्छा, आप भी दिखाई देंगे? हाँ, बिल्कुल उसमें दिखाई दूंगा मैं आपको। बाकी ये है कि हमारी खुद ही की मैम मैन्युफैक्चरिंग, कोई भाई अपना बनवाना चाहता है ऑर्डर लेके बनवाना चाहता है, फोटो लाते हैं, आजकल नए नए डिजाइन चलते हैं बाइकर राइडर वाले, तो वो हम खुद मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं। अच्छा, हम वो भी कर देते हैं। तो आप लोग, तो आपके पास सिर्फ लेडीज जेंट्स ही होने वाला है या किड्स वेयर भी रहता है? हमारे पास ज्यादातर मैम किड्स वेयर तो ये है ऑर्डर पे बना देते हैं। अच्छा अच्छा, बाकी ये है कि लेडीज जेंट्स दोनों जैकेटें हमारे पास अवेलेबल मिल जाएगी। तो जैसे कि हमें पता है लेदर काफी कॉस्टली होता है, तो आप एक बार बताएंगे कि आपके रेट्स हैं, आपने कैसे रखे हुए हैं लेदर्स में, स्टार्टिंग प्राइस आपके यहाँ क्या होने वाली है? स्टार्टिंग प्राइस मैम हमारी 3000 रुपीज है, 6000 तक होती है। अच्छा। बाकी ये है कि सस्ता इसलिए है मैम क्योंकि हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम किसी वर्क से या किसी उससे नहीं मंगवाते, हम खुद अपना लेदर बनाते हैं, खुद ही बनाते हैं। अच्छा। ये सब लोग पहले एक्सपोर्ट ही करते थे, अब जब से कोरोना काल के वगैरह से, तो हम अब खुद ही अपनी शॉप खोल रहे हैं। अच्छा, अच्छा। बाहर करते थे, इस वजह से ब्रांच। पर इस चीज की कोई गारंटी है कि ये जो जैकेट्स हैं ये प्योर लेदर, इसकी फुल ये गारंटी है मैम, अगर ये लेदर नहीं होता मैं 50,000 रुपए इनाम दूंगा आपको। अच्छा, मतलब फुल गारंटी से जो अगर स्किन निकल जाती है पपड़ी, तो वो तो लेदर, वो लेदर ही नहीं होता, ये लाइफ टाइम में चाहे 20 साल की ना जाए वो पपड़ी नहीं निकलेगी। अच्छा, आप कितने साल की वो दे रहे हैं इसकी? फिर भी छिलके निकलने की पपड़ी की लाइफ टाइम की दे रहे हैं मैम, चाहे वो 10 साल हो जाए जैकेट वो पपड़ी नहीं निकलेगी। 5 साल पर ये है कि ऐसे चलती है जैसे नॉर्मली कोई जैकेट नई होती है कि नई चलती रहती है, बस कलर पॉलिश होती है, पॉलिश करवानी पड़ती है, 2 साल बाद पॉलिश करा लो, जैसे सूट पे जो पॉलिश होती है वैसे ही। फिर भी आप गारंटी के लिए क्या बोलना चाहेंगे? कि गारंटी यही है मैम, अगर किसी भी तरह के कोई भी प्रूफ कर दे कि ये लेदर नहीं, तो मैं उसको 50,000 रुपए दूंगा। आप भी गारंटी ले सकते हैं मैम, मैं चाहे स्टाम्प पेपर पे लिख देने को तैयार। बाकी कोई भी भाई अगर किसी को पसंद नहीं आती, कोई भी आके देखने जाता है तो वेलकम है, नहीं पसंद आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आइए बैठिए चाय पिए, एक कप चाय पी के जाइए, नहीं आती पसंद तो कोई बात नहीं है, पर एक बार हमारी शॉप पे आके विजिट जरूर। ठीक है, तो आपकी नई शॉप है, तो देखते हैं कि हमारे व्यूवर्स हैं वो अभी सर्दियों का कलेक्शन लेने वाले, पहाड़ों में बहुत ठंड होती है ना, ट्रैकिंग करनी होती है, स्टूडेंट्स होते हैं कॉलेज जाने वाले, जैकेट चाहिए होती है, अच्छी चाहिए होती है, अगर आपके पास अच्छी रहेंगी तो ऑब्वियसली आपकी चीजें लोग और लेते रहेंगे। कलर फेड हो जाता है, तो कलर फेड होने के बाद आप लोग कुछ करवा सकते हैं? हम खुद ही करते हैं, मान लो कोई भाई किसी के पास जैकेट रखी हो या हमारी दिल्ली शॉप से लाया हो, हाँ। वो जाना नहीं हो रहा तो हमारे पास यहाँ आई है, कलर अच्छा। पॉलिश रिपेयरिंग कुछ भी होगी हाँ। वो हम सब कर देते हैं। अच्छा। चाहे किसी की 10 साल पुरानी जैकेट भी रखी हो, बेचारा नहीं पहने, चेन खराब हो गई, वो हम सही करके देते हैं। अच्छा, अच्छा, तो मतलब ये वाली फैसिलिटी भी आपके यहाँ है कि अगर उनकी खुद की भी कोई जैकेट है तो वो यहाँ पे इस पे जो इसका कलर फेड हो गया वो आपसे रिपेयर करवा सकते हैं। तो आप लोग इस चीज के लिए भी परेशान हो रहे थे कि जैकेट तो बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ा कलर फेड हो गया है धूप के कारण या रखे रखे हो गया है, तो आप लोग यहाँ पे आके भैया से मिल सकते हैं और अपनी नई जैकेट भी ले सकते हैं और पुरानी को भी नई बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भैया एक बार हमें दिखाइए। जैसे मैम स्टार्टिंग की बात करें तो ये मैम जैसे ब्लैक कलर है, एवरग्रीन कलर है, ये एवरग्रीन का आज तक चलता ही आता है, तो ये आपको 3000 रुपीज में मिल जाएगी। अच्छा, तो इसकी थोड़ी सी हमें क्वालिटी बताइए। क्वालिटी मैम ये शिप लेदर में, जिसको शिप लेदर बोलते हैं, सिंपल पैटर्न है, फॉर्मल ऑफिस टाइप वगैरह के लिए सिंपल काफी चलता है, मतलब ये तो रेगुलर चलता ही रहता है सिंपल फॉर्मल। इसमें चेन भी आपको बाइक की मिलेगी, देखो ओरिजिनल चेन बाइक की हमारे पास मिलती है, ये 3000 में हम आपको। अच्छा, एक चीज और, आपने 3000 तो अपने रेट लगे हैं, स्टार्टिंग आपकी आपकी शॉप की स्टार्टिंग भी है, लेकिन हमारी वीडियोस जो देख के आएंगे उन लोगों के लिए क्या रहेगा? उनके लिए मैम आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे। 10% डिस्काउंट उन लोगों के लिए मिल जाएगा, बाकी आप 50,000 भी जीतने वाले हैं अगर आप लोग बता देंगे कि ये नहीं है। एक ये देखिए मैम, ये स्वेट लेदर बोलते हैं, जैसे रेड चीप के जूते वगैरह में आता है ना, तो ये बाइकर जैकेट बोलते हैं। अगर ये देखिए इसका स्टफ वगैरह सब आपको ऐसा मिलेगा बिल्कुल मक्खन की तरह, ये स्वेट वगैरह शूज चलता है ना, बाकी आजकल काफी ट्रेंडिंग में है ये। अच्छा, एक से एक अंदर की बेल्ट भी लगी हुई है, जैसे DDLG मूवी में आज तक चलता आ रहा है ना, उसमें ब्लैक कलर है, ब्लैक भी है, बाकी पूरा ये साटन कलर में लगा। फिनिशिंग अगर आप लोग देख सकते हैं, एक बार मैं कैमरे से आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगी कि इसमें फिनिशिंग काफी अच्छी है, बैक में भी और फ्रंट में भी। ठीक है, तो ये देखिए
आपने ये जो चेन बताई है ये कौन सी चेन? बाइके की चेन। बाइके की चेन, अच्छा। बाइके की चेन मिलेगी कहीं पे भी आप सर्च मारोगे तो बाइके की। और अच्छा, इसे वॉशेबल कैसे हो पाएगी? ये सिर्फ कलर ही होता है मैम, ये ज्यादातर वैसे पार्टी वाइज होता है, ये रेगुलर ही वाला पहनने होता है, बाकी हम कर देते हैं जैसे भी साफ वगैरह, रेगुलर नहीं होता। रेगुलर वाला दूसरा जैसे शिव में बताया ना, उसको रेगुलर ही पहनो आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये थोड़ा सा पार्टी वेयर लुक में, किसी फंक्शन में जाना है और ठंड बहुत ज्यादा है तो आप लोग इस टाइप का वेयर कर सकते हैं। अगर ये कलर किसी का फेवरेट है या ढूंढ रहे तो प्लीज कमेंट जरूर करना, ठीक है। देखिए देखिए मैम, ये कैमल लेदर में। अच्छा, ये कैमल लेदर में रॉयल इनफील्ड में ये लिखा हुआ, कोई अपना बनवा के कुछ बनवाना चाहता है लेबल लगवा के तो वो भी बन जाता है। अच्छा, ये आपको कहीं भी शोरूम में रॉयल इनफील्ड वगैरह की 30-40 हजार रुपए से कम की जैकेट मिलती है। ये वाली और आपके पास कितने की मिलेगी? ये हमारी 6000 की। 6000 की मिलने वाली है। कैमल है ये, कम से कम 20 साल की हमारी गारंटी की, 20 साल भी कहीं नहीं जाएगी। इसका लेदर आप अंदर से भी दिखा दीजिए किस टाइप का दिखने वाला है। अंदर से अस्तर में मस्तर लगा होता है ज्यादातर, क्योंकि काफी गर्म होता है। और पॉकेट्स भी अंदर, इसमें 2 पॉकेट्स होगी, एक ये पॉकेट से एक ही चेन वाली पॉकेट से। अब पहनने के बाद अगर मैं दिखाऊं तो पहनने के बाद इसका लुक ऐसा आएगा, ये बिल्कुल फिटिंग, बिल्कुल फिटिंग एकदम आएगी, टाइटिंग वगैरह बिल्कुल आप ही दी। तो अब यहाँ पे जो भी व्यूअर्स हैं वो आके चेक कर सकते हैं कि कैसे लग रहे हैं ना, अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी साथ में लेके आना ताकि वो आप लोगों को बताएंगे हाँ कैसे लगो। तो ये राइडर वाले जो होते हैं ना, जैकेट बाइक राइडर वाले, वो खूब पसंद करते हैं। अच्छा, ये खूब पसंद करते हैं। तो जो लोग राइडिंग करके केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हैं ठंड वाली टाइम पे जाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वाली जैकेट काफी अच्छी वाला। कैमल देख के पता चलना होगा कितना मुक्ता लेदर है, बाद में कहीं हल्का मुल्का खराब हो जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इसका। एक ये देखे मैम, ये है ये हमारा स्वेट कैमल लेदर में। अच्छा, ये जैसे डेनिम वगैरह जैकेट आती है ना, उस टाइप का ये पैटर्न। अगर मैं इसको आपको पहन के दिखाऊं तो ये बहुत ही प्यारा लुक आ देता है। जैसे अपना बूट वगैरह डाल लिया, हेड चीफ का बूट डाल लिया, ये डाल लिया, अंदर टी शर्ट डाल ली, तो बहुत ही प्यारा यूनिक पीस ये आपको लगेगा। ये समझो कि पार्टी वाइज में शान बढ़ा देगा। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहती हूँ कि इसमें साइजेस आपके पास सब अवेलेबल मिल जाते हैं? एक्सेल साइज भी अवेलेबल मिल जाता है, एक्सेल डबल एक्सेल आपको सब साइज मिल जाएंगे। क्योंकि स्मॉल साइज मिलना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक्सेल में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो आप लोगों के पास वो है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप एक बार आके ट्राई कर। किसी का ये है कि साइज भी नहीं होता तो हम ऑर्डर दे दो, 3-4 दिन में हम रेडी, 3-4 दिन में बन जाएगा, 3-4 दिन में रेडी। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये तो कई कलर इसमें मिल जाते हैं, ब्लैक, ब्राउन और ये टैन कलर, टैन फेडेड बोलते हैं। तो इसका प्राइस क्या होने वाला है इस वाले जैकेट का? इसका मैं 4000 है। 4000 होने वाला। आपकी लास्ट रेंज कहाँ पे जाती है? 6000 में एंड इतना कलर की जैकेट 6000 में, ये वही शोरूम में आपको मिलेगी, तो कम से कम 15-20 हजार की जैकेट जाके मिलेगी लेदर की। एक ये देखिए मैम, ये टैन कलर है बाइकर जैकेट, जो पहन के DDLG वगैरह में मूवी आजकल चल रही है, पंजाबी गाने में काफी चल रही है। और इसमें खास बात और है कि जैसे ये टैन कलर है तो इसको अगर मान लो 1-2 साल ये यूज कर लिया तो इसको थोड़ा डार्क कराना चाहते हो तो ये ऐसे भी हो जाएगा। अच्छा, ये थोड़ा ये डार्क में हो जाएगा, तो ये कलर भी देखे रेड चीफ का जो आता है उस टाइप का कलर है, बिल्कुल यूनिक। मतलब अगर घर में छोटा भाई है ना तो उसको कलर करके आप ये वाला पहना सकते है ना। छोटे को होता है ना कई बार कि बड़े का ले लो आप, बड़े का ले लो, चीज अच्छी है तो उसमें कलर करके छोटे भाई ने भी पहन लिया है ना, नई ला के दी है बिल्कुल। एक ये देखिए मैम, इसको बॉम्बर जैकेट बोलते हैं, काफी सर्दी के हिसाब से बोलते हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आया क्या बोलते हैं ये, मतलब इसका नाम है बॉम्बर जैकेट है। अच्छा, काफी ये देखिए, इसमें हमने स्टिकर नीचे रिब लगी हुई होती है। हाँ, ये डिजाइन अच्छा। भी आपके काफी चलता है। हाँ, और ये कॉलर में भी होने वाला है, कॉलर में होने वाला है, ये निकल भी जाता है मैम। अच्छा, ये आप कहोगे तो ये चेन लगा रखी है हमने, निकल भी जाता है ये देखिए। अच्छा, तो अगर आपको कॉलर के साथ पहनना है, ज्यादा ठंड है तो फर के साथ थोड़ा सा आपको कम्फर्टेबल रहेगी, चलो आपके गले भी सेफ्टी में रहे, और अगर ऐसे में पहनना तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या कैसा होने वाला है? फुल्टिंग है। अच्छा, अधिकतर पोलोफिल पड़ी है, फर वाली में इसमें बाइकर आपको दिखा देता हूँ, जिसमें फर भी लगी हुई होती है काफी, ये फर वाली है ये जिसमें फर लगी हुई होती है। किसी को बिल्कुल कंफर्ट उसी में आता है ना कि फर पहनना है, फर के साथ चाहिए। जी जी जी। अच्छा, ठीक है। देखिए सर, एक ये पैटर्न है, इसमें ईगल बनी हुई है। अच्छा, ये ईगल हो सर प्लस एक्सपोर्ट वाला जो माल होता है वो भी हमारे पास अवेलेबल मिल जाता है। अच्छा। सर प्लस एक्सपोर्ट बोलते हैं ना। हाँ, वो भी हमारे पास अवेलेबल मिलता है। अरे वाह,
इसमें ये देखिए ईगल वगैरह, तो मतलब एकदम प्लेन नहीं पहनना, कुछ अलग सा पहनना, अलग सा पहनना है। हॉलीवुड फिल्मों में काफी पहनते हैं इस टाइप की ईगल वगैरह बनी हुई, कुछ बनवाना चाहते हो बिल्कुल पूरा फुल बन जाएगा। तो वो है कि जैसे रील्स भी बहुत बनाते हैं ना लोग, तो उन्हें भी चेंजिंग करने के लिए अच्छा ऑप्शन मिलता है। अच्छा, तो ये क्या चीज है? जैसे रबब बोलते हैं ना, रबब टाइप फेडेड लुक आजकल देखता है कि लेदर है, इसको फेडेड करने में लगता है कि लेदर पहन रखा है। बिल्कुल अच्छा, ये डिजाइन भी बॉम्बर जैकेट में आपको ये मिलता है। तो जैसे ये वाला पैटर्न है, ये कैमरे में आप लोगों को शो हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके लिए तो आप जब आएंगे देखेंगे तभी आपको पसंद आएगा। कलेक्शन इतने सारे हैं कि आप कंफ्यूज भी हो सकते हो कि कौन सा लूँ और कौन सा छोड़ दूँ। इसी का फेडेड वाला मैं किए है। अच्छा, इसमें ये इसकी ये टाई वगैरह है। इसको टाई बोलते हैं, इसके निकल भी जाता है। अच्छा, तो ये किस चीज के लिए होता है? जैसे नॉर्मल खोल के या इसको रखना चाहते हो ऐसे नॉर्मल खोल लेते हैं या हवा ना जाए थोड़ी और ज्यादा, इसलिए उसके लिए सेफ्टी के लिए हम ये लगा देते हैं। ओके ओके ओके। सर्दी आने से पहले आप लोगों के लिए हम इस तरह का कलेक्शन लेके आए हैं, तो आप लोगों के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना, शेयरिंग जितना करेंगे। अब ये एक चीज और देखना, जिन्होंने शेयरिंग करी होगी ना उनके लिए तो आप और अच्छा रेट लगाइएगा। ठीक है मिल जाएगा, इसमें एक कलर मिल जाएंगे आपको काफी। तो मतलब एक टाइम ऐसा था ना जब से ब्लैक कलर मिलता था और ब्राउन मिलता था, लेकिन अभी हम आपको यहाँ पे ब्लू कलर मिलेगा। हमें रेड हमने दिखा दिया, ब्लू कलर में कुछ होने वाला है। कलर अवेलेबल सब मिलते हैं, आपने सही कहा कि पहले जब लास्टिक वाली जैकेट चलती थी वो सिर्फ हम ही हमारे पापा बनाते थे, तो सिर्फ दो ही कलर थे, ब्लैक और ब्राउन। अच्छा, और वो लास्टिक वाली बनती थी। आजकल ये फैशन में बहुत आगे, तो ये देखिए इनमें भी कलर्स आ चुके हैं, काफी कलर आ चुके हैं। बाकी अगर आप अपना खुद का कुछ टैग लगाना चाहते हैं, कुछ लोगो लगाना चाहते हैं, तो वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, आपका खुद का कोई ब्रांड है आप वो भी लगवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए मैम एक ये डिजाइन किया है हमने। अच्छा, ये इतने छोटे छोटे इसके ऊपर हमने ऑरेंज कलर का ये टैग लगा रखा है। अच्छा, आपको ये देखिए हर चीज में, ये समझ लो काम के ही पैसे हैं हमारे, ये नहीं कि किसी से कम कमा रहे कि ज्यादा मार्जिन रखे कर रहे, जो काम का लगा रखा उसी के पैसे हम ले रहे कि। तो वैसे तो आजकल गर्ल्स भी बॉयज का भी पहन लेते हैं कि चलो बॉयज की जो ड्रेसेस जैकेट है या शर्ट है वो भी पहन लेते हैं, लेकिन हम आपको गर्ल्स वाला भी दिखाएंगे और मैं पहन के दिखाऊंगी आपको। ठीक है, ये देखिए मैम ये दोनों तरफ हमने बकल लगा रखे, आजकल पहले बेल्ट वाला दिखाया था बाइकर में, अब ये डबल जिप वाला है, बकल वाला आजकल ये भी काफी ट्रेंडिंग में हो रखा है। ठीक है, आप लोग ऑनलाइन भी इनको कंपेयर कर सकते हो या फिर आप विजिट करके तब जबके यहाँ पे फुल सेटिस्फेक्शन के साथ ही आना कि हाँ अगर हम वीडियो लेके आए हैं आपके यूजफुल है या नहीं। ठीक है, आप लोग जो कमेंट करते हैं उससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है और आपके लिए इस तरह की वीडियो और भी लेके हम टाइम टू टाइम आते रहेंगे। ये ब्राउन फॉर्मल में कैजुअल फॉर्मल दोनों पहन सकते हैं। अच्छा, ये डार्क ब्राउन में है, यहाँ पे हमने कुल्टिंग ये लगा रखी है, पूरी कुल्टिंग का डिजाइन कर रखा है हल्का सा, ये पॉकेट दाढ़ी कर रखी है। कोई अपना डिजाइन लेके आए तो वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, अपना डिजाइन बनवाना चाहता हो तो वो भी हम बना देंगे। इसके बाद ये देखिए एक कलर और है, टैन ब्राउन, ये हम आप सिंगल जिप वाले मांगते हैं, नीचे बेल्ट पे जैसे और में ये होता है बेल्ट, तो ये प्लेन है। अच्छा, बहुत से प्लेन कोट टाइप पसंद करते हैं, जैसे ब्लेजर स्टाइल होता है हल्का सा लुक, और इसकी पॉकेट्स भी बिल्कुल साइड में दी गई है ना, जैसे और में हमने किसी में देखा कि फ्रंट में है, बट इसमें क्या है आपको पॉकेट भी यहाँ पे मिलने वाली है, साइड में भी मिलने वाली है। घर में बैठ के बड़े बुजुर्ग आराम से बैठे रहो, आगे बैठे रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए सर, इस टाइप की जैकेट काफी देखने को मिलती है ना, लोग पसंद करते बहुत हैं, बहुत पसंद करते हैं, हॉलीवुड फिल्मों वगैरह आजकल ये लगे हुए होते हैं ना पैचेस वगैरह, बहुत ये डिजाइन मतलब अनेक डिजाइन मिल जाएंगे। वीडियो आपकी काफी बड़ी तो अभी वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, काफी हो चुकी होगी, और अभी मैं इसको यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आप अपना कलेक्शन खुद बना सकते हैं, खुद आएंगे तो आपको अलग अलग तरीके के मिलेंगे। देखिए जैसे ये सामने देखिए, ये मुझे थोड़ा अलग लगा, पर सारे आपको दिखाना पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको दिखाते हैं गर्ल्स में भी मिल जाएगा कुछ, लेडीज वेयर में भी मिलने वाला है ना, तो उसको हम एक बार ट्राई भी करेंगे और देखेंगे कि कैसा लगता है। ठीक है, लेडीज वेयर में आप दिखाने वाले हैं। जी जी जी, ये लेडीज जैकेट है, एक बार आप देख सकते हो, ट्राई करना आप, अगर आप कर सकते हो ये देखना आप लोग ऊपर पे बिल्कुल ट्राई करेंगे। जैकेट्स को भी जब तक ट्राई ना करो तो लगता नहीं है कि आपने कुछ अच्छा पहना है, फिटिंग है नहीं है, तो आप लोग आके ट्राई कर सकते हैं, सामने से मिरर भी है और आप इसे तो ये देखो इसमें साइड में भी आपको जिप मिल रही है, इसमें पॉकेट साइड में मिल जाएगी, फ्रंट पॉकेट में भी मिल जाएगा, फ्रंट पॉकेट में मिल जाएगा। ठीक है, तो इनका प्राइस कहाँ से स्टार्ट होने वाला है? इनके में हम लगभग 3000 का, और बाकी 10% का आपको डिस्काउंट है, बाकी अगर कोई चार लेके जाएगा ना अगर
अपना कलेक्शन बनाता है पूरे विंटर का, तो थोड़ा सा और आप देख लेना उन लोगों के लिए, ठीक है। बाकी रेड में भी मिल जाएंगे कि गर्ल्स के लिए? रेड में मिल जाते हैं, लगभग सारे कलर मिल जाते हैं। बाकी ये लेदर जैसा होता है ना मैम कि कपड़े की तरह हर जगह से नहीं मिल पाता, तो इसलिए कुछ कंपनियों में जाके देखना पड़ता है, तो मिल जाता है तो हम बना भी देते हैं। ठीक है ठीक है। बाकी आपको ये ब्लैक जैकेट है तब देखना चाहो जैसे, तो जो लोग लॉन्ग राइडिंग करते हैं, जिनको ट्रिप में जाना पसंद है, साइकिलिंग करते हैं, तो उन लोगों के लिए इस टाइप की जैकेट काफी पसंद आने वाली है, ठीक है। एक बार मैं अच्छा लॉन्ग कोट में भी होने वाले लॉन्ग कोट में आपको मिल जाएगा फुल। अच्छा, तो लॉन्ग कोट के क्या प्राइसेस होंगे आपके पास? ये लगभग 5,500 रुपए का, जैसे क्योंकि लेदर ज्यादा लगा हुआ होता है, इसमें हमने ये हुडी भी लगा रखी है। अच्छा, काफी हमने हुडी भी लगा रखी है, तो इस वजह से इसका खर्चा पड़ जाता है। अब हमने इसकी कोल्टिंग कर रखी है, इसमें बोलते हैं स्पंज डाल रखे इसके अंदर, यहाँ पे पोलो फिल है, इसके लेदर के बीच में पोलो डाल है, जैसे बूमर स्टाइल होता है ये वो है। अच्छा, जैसे कपड़े की जैकेट में आजकल बूमर स्टाइल आता है, वो ये लेदर में हमने कर रखा है। अच्छा, लॉन्ग कोट में आप मेंस के लिए भी अवेलेबल होगा? मेंस के भी हो जाता है। तो ये देखिए, इसमें आप लोगों को हुड भी मिल जाएगा, हुड पहनना है पहनो, नहीं पहनना है मत पहनो, ठीक है। तो ये तो लॉन्ग कोट में अगर आप लेदर में देख रहे थे, बजट के अकॉर्डिंग आपका है तो एक बार विजिट जरूर करना, ठीक है। और अगर किसी की भी कोई फेवरेट होगी तो अपनी फोटोज जरूर मेरे फेसबुक पेज पे कमेंट में, जहाँ पे आप जाएंगे वहाँ पे फोटो भी अपलोड हो जाती है, आप लोग डालिएगा जरूर कि आपने लिया, आपको क्वालिटी कैसी लगी और आप कैसे लगे, ठीक है। हाँ, देखिए मैम, एक ये जैसे जेंट्स में तो पहनती हैं, ये लेडीज में भी हमने बना रखी है, आपने देखी होगी काफी पहनती है लड़कियां ये बाइकर जैकेट है। आप देखिए एक बार इसको, मैम ट्राई करके देखिए, एक बार मैं ट्राई करके देखती हूँ इसे, कि इस टाइप की जो लॉन्ग राइड में जाते हैं, हम तो जाते नहीं है, अभी जाना हो पा नहीं रहा है, तो अगर आप लोग अगर लॉन्ग जैकेट में कुछ पहनना चाहते हैं, मतलब शॉर्ट जैकेट में कुछ इस टाइप का पहनना चाहते हैं, तो यहाँ पे अवेलेबल ये भी हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए मैम, एक हमारे पास इस क्वालिटी के मिल जाएंगे आपको। अच्छा, जैसे आजकल जैसे लगा के पहनते हैं सर्दी में, काफी रशियन वगैरह वहाँ पे होता है ना, ठंडी में ज्यादा कनाडा वगैरह जाते हैं लोग, हाँ जी, तो उसके लिए ये पहनने के लिए बहुत अवेलेबल है, अंदर पूरा फर। इनका प्राइस कहाँ से स्टार्ट होता है आपके पास? इनका प्राइस मैम 4,000 से ऊपर होता है, 6,000 4,000 अलग अलग होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट वाली जैकेटें होती है, अधिकतर एक्सपोर्ट करते हैं तो वही जैकेट होती है, ओरिजिनल यहाँ पे हमारे पास मिलता भी नहीं है। अच्छा, एक्सपोर्ट ही कराना, ठीक है। तो देखिए मैम, हमारे पास और वैरायटी भी, आपके पास बैग, ये बेल्ट, लेडीज बैग, ये लैपटॉप बैग, ये भी आपको हमारे यहाँ अवेलेबल मिल जाएंगे। अच्छा, लैपटॉप बैग भी अवेलेबल है, लैपटॉप बैग है, लेडीज बैग है हमारे पास, ये ऑफिस टाइप बैग है जैसे आजकल चलते हैं, और कई तरह की हमारे पास बेल्ट भी अवेलेबल। तो इनके प्राइसेस कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं? प्राइस मैम इनके थोड़े कॉस्टली तो होते हैं सभी जानते हैं, क्योंकि लैपटॉप अधिकतर ये प्रेफर कैमल लेदर में ज्यादा बने में होते हैं, तो ये 3500 2500 इस टाइप के, मतलब ये है 2500 से लगभग ऊपर ऊपर, और हमारे पास बॉलेट वगैरह भी। अच्छा, आपको बॉलेट वगैरह मिल जाएंगे, और ये छोटी सी चीज को भी हमारा 50,000 रुपए हमें, मान लो लेदर। अच्छा, हाँ लेदर नहीं होगा तो इसमें भी 50,000 रुपए लेदर बॉलेट आपको एक से एक हमारे पास मिल जाएंगे, एक क्लच मिल जाएंगे लेडीज। तो किसी को गिफ्ट करना होता है, अपने हस्बैंड को गिफ्ट करना है, वाइफ को गिफ्ट करना है, तो लेके जाइए और आपका धन यहीं पे संभाल के रखेंगे वो इसमें, है ना, ठीक है। तो चलिए, अब वीडियो का हम यहीं पे एंड करेंगे, और होप आपको आप अच्छी चीज़ दिखाएंगे, अच्छी चीज़ लेके लोग खुश होंगे, है ना। बिल्कुल, जो आएंगे हमारे पास तो ये है कि खुश होके ही जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी, जहाँ पे हमने आपको एक लेदर जैकेट का कलेक्शन दिखाया, जो कि देहरादून में एक न्यूली शॉप ओपन हुई है। आप यहाँ आइएगा, एक बार विजिट कीजिएगा, क्योंकि ठंड आने वाली है, अगर आप राइडिंग करते हैं, राइडर्स हैं, तो आप लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है, और या फिर आप किसी हिल स्टेशन में रहते हैं तो भी आप लोगों के लिए यहाँ पे एक अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा, जिसमें आपको कलर्स भी अलग अलग यहाँ पे मिलने वाले हैं। कुछ मैंने ट्राई करके भी देखे, जिसकी क्वालिटी मुझे भी अच्छी लगी है। बाकी आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज होगी कि किस क्वालिटी की कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी है, या आपको कहाँ से लेना चाहिए, या आपको यही बेटर है, ठीक है। अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए अपने फ्रेंड फैमिली सबके साथ, और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। अगर जो लोग आज हमारे चैनल में पहली बार हैं, फेसबुक से देख रहे हैं, या इंस्टाग्राम या फेसबुक यूट्यूब से देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, ताकि हमारी इस तरह की और भी वीडियो आप लोगों के पास टाइम टू टाइम आती रहे। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर। We'll be right back.